और इलेवंथ हो गया, ट्वेल्थ हो गया, थर्टीन हो गया, फोर्टीन हो गया, फिफ्टीन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। यानी जो नीचे रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, आपने उसकी लेंथ और ब्रेथ निकाल ली है। ओके, तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रखा है लास्ट वाले क्वेश्चन में। जैसे एरिया दे रखा है 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12, और आपने क्या निकालनी है, लेंथ एंड ब्रेथ। अब मुझे बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बताइए, लेंथ इनटू ब्रेथ। यानी अगर आप इसके फैक्टर, इसको फैक्टराइज कर दो, इसके फैक्टर बना दो, तो जो दो फैक्टर आएंगे उनमें से एक फैक्टर क्या होगा, लेंथ, और दूसरे फैक्टर क्या होगा, ब्रेथ। तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको फैक्टराइज करना है। तो कीजिए इसको फैक्टराइज, मल्टीप्लाई, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करेंगे, तो मल्टीप्लाई कितनी चाहिए, फर्स्ट और लास्ट, ऐसी है, फाइव से डिवाइड कीजिए, फाइव इंटू ट्वेल्व, फिर फाइव से ट्वेल्व, फिर टू से सिक्स, थ्री एंड थ्री से वन। ऐसा कॉम्बिनेशन जिनको हम ऐड करें तो 35 आए, कैसे होएगा बताओ, 5 to the 10 to the 20 यहाँ से, और 15 यहाँ से, 20 और 15 को ऐड करते क्या आता है, 35, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये कंप्लीट आएगा। तो फैक्टर्स में क्या बनेगा बताइए, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद माइनस का 20 a एंड माइनस का 15 a प्लस 12। समझ में आ गया, ऐड करेंगे ये वाली कम आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट आएगा। ये आपका रफ वर्क है, इसको मैं पहले ही रफ कर देता हूँ। तो क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है, तो कॉमन निकालिए, कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ से, ए भी आ रहा है और फाइव भी आ रहा है, यहाँ से क्या आएगा, 5a, और माइनस यहाँ से क्या बचेगा, 4। ये 12 फिर माइनस का इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3, 5 एक प्लस का आएगा और 4 माइनस का, क्योंकि हम माइनस पहली बार ले चुके हैं। तो यहां से 5a माइनस 4 बार कॉमन, अंदर क्या बचेगा, 5a माइनस 3। एरिया होता क्या है, एल इंटू बी होता है, सो लेंथ हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, बताइए, पहली वाली 5a माइनस 4 एंड ब्रेड 5a माइनस 4। तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 ऐसे है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ इनको फैक्टराइज करना है। तो इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे है, सेकंड पार्ट इसके साथ ही कर देते हैं। एरिया क्या दे रखा है सेकंड पार्ट में, 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12 है। तो इसको भी मिडिल टर्म से स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करेंगे, मल्टीप्लाई कितनी चाहिए आपको, 35 एंड 12 नहीं माइनस 12, मल्टीप्लाई आपको माइनस में चाहिए, तो 5 से 7 इंटू माइनस 12
सेवन से डिवाइड कर दें, माइनस ट्वेल्व, टू से माइनस सिक्स, टू से माइनस थ्री, थ्री से माइनस वन, और माइनस को भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब ऐसा कॉम्बिनेशन बताइए जो इसको 13 ला दे, ये आएगा 7 टू का 14 टू द 28, 10 का और 5 टू द 15 माइनस का, प्लस का 28 माइनस का 15, ऐड करोगे तो 13 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी टर्म आएगी, तो इसको स्प्लिट कर दें, 35 y स्क्वायर प्लस का 28 y माइनस का 13 y माइनस का 12, ये आपका सारा काम रफली है, इसको आप रफली करोगे, ठीक है जी। तो आपका सॉल्यूशन सिर्फ ऐसे होना चाहिए, तो यहाँ से एक कॉमन निकालिए, 7y कॉमन, यहाँ से क्या आएगा 5y प्लस 4 35y² प्लस का 13y है, 13y है ना, तो हमने फैक्टर क्या बनाए थे, 28y माइनस का 15 था ना, फैक्टर में बना था 28 प्लस का था और माइनस का 15 था, ठीक है। अब कॉमन आ जाएगा इसमें से, अब इसमें से बताइए क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 3 कॉमन, 5y प्लस 4, ये दोनों फैक्टर आपके मिडिल टर्म को जब आप स्प्लिट करते हो ये दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए, अगर ये दोनों फैक्टर सेम नहीं है तो आपने पीछे गलती कर रखी है। यहाँ से 5y प्लस 4 कॉमन, यहाँ से 7y माइनस 3, ये आपका एरिया है रेक्टेंगल का, क्या होता है l इंटू बी, सो यहाँ से लिखें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो ये क्या लेंगे 5y प्लस 4 एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 7y माइनस 3, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15, चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में बताइए क्या दे रखा है, क्वेश्चन में है वॉल्यूम, जैसे 15 में क्या था एरिया था ना, और इसमें वॉल्यूम किसका दे रखा है, क्यूबॉइड का, वॉल्यूम किसका दे रखा है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, इसका मतलब क्या हुआ, पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे आपको दो फैक्टर्स थे, इसमें कितने फैक्टर्स आएंगे, तीन, पहले पार्ट में वॉल्यूम बताइए क्या दे रखा है, 3x² है, क्यूब है 3x² माइनस 12 है, 3x² माइनस का 12x, तो इसमें तो फैक्टर डायरेक्ट बोलिए, इसमें तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है, क्या कॉमन आ रहा है 3 और x, अंदर क्या बचेगा x माइनस, ये ना वॉल्यूम होता क्या है, l इंटू b इंटू h, यही होता है, पहले वाला वेक्टर ये लेंथ, ये विड्थ, ये पूरी हाइट, सो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 3, यूनिट लिख सकते हैं आप, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड x एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड, समझ में आ गया, सेकंड पार्ट भी इसका सेम है,
सेकंड पार्ट में वॉल्यूम कैसे रखा है? 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई माइनस 20 के। तो चलिए देखिए क्या आपको बना रहा है इनमें से। सबसे पहले बताइए 2 या 4 4। ठीक है, 12 है 8 है 20 है और के 4 के आपका कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या आएगा 3 y² + 2 y - 5 5। आप अगर फैक्टर करके इतना, अगर आप इतना छोड़ना चाहते हैं तो इतना भी छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ से हमारे पास 3 फैक्टर आ चुके हैं 1, 2 एंड 3। ठीक है, अदरवाइज अगर बुक वाली लैंग्वेज बुक में कुछ अलग फैक्टर दिए होंगे या तो आप इसको इतना ही छोड़ दीजिए या फिर लेंथ आपकी 4 आ जाएगी, विड्थ आपकी के हो जाएगी और हाइट आपकी क्या हो जाएगी 3y² + 2y - 5। ठीक है, या फिर अगर आप इसके फैक्टर करना चाहें इसके फैक्टर देख सकते हैं साथ में 4k मल्टीप्लाई कितने चाहिए माइनस का 15 और ऐड कितना चाहिए, एडिशन कितना चाहिए प्लस का 2। इसके आप फैक्टर बना सकते हैं प्लस का 5 माइनस का 3। समझ गए, 5 + 15 वो भी माइनस का, तो यहाँ से आ जाएगा 4k। इन दोनों में से y कॉमन 3y + 5 - 1 कॉमन 3y + 5। ठीक है जी, ये आ जाएगा 4k × 3y + 5 × y - 1। अगर आप ऐसे लेते तब भी ठीक था, ठीक है, अगर आप ऐसे लिखेंगे तब भी ठीक है। अगर वॉल्यूम एल भी अच्छा है तो एल लेंथ को आप 4k ले सकते हो कंप्लीट, इस पूरे को लेंथ मान लीजिए, ब्रेथ को आप 3y + 5 ले सकते हो और हाइट को आप 1 - 1 ले सकते हो। तो ये भी आपका ठीक है, ये भी आपका ठीक है। ठीक है जी, हो सकता है बुक में आपको ये आंसर मिल जाए, अदरवाइज अगर आप इतना करके आते हैं तब भी ठीक था। समझ में आ गया, तो आज आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया है। आप इसके बच्चों एग्जाम्पल उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने इसके क्वेश्चन है। जब इस चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा आपका तो 25 मार्क्स में से 10 नंबर के एग्जाम्पल बोले जाएंगे और 15 नंबर के क्वेश्चन, तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना और स्पेशली ध्यान रखना 25 मार्क्स में से कम 20 मार्क्स का 2.4 और 2.5 में से आएगा क्योंकि इसके 2.4 एंड 2.5 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, तो कितने परसेंट आएगा, 80% लास्ट की 2 एक्सरसाइज में से, तो अच्छे से करना। ओके, चलो आज के लिए इतना ही।